दोस्तों बहुत कम ही लोग जानते हैं कि निर्मला जी की फेवरेट बॉल है यॉर्कर, उनका फेवरेट अवार्ड है ऑस्कर, उनका फेवरेट क्रिकेटर है तेंदुलकर, उनका फेवरेट अखबार है भास्कर, और ये भी कोई नहीं जानता कि बारिश के मौसम में निर्मला जी के पड़ोस में जो मेंढक रहता है वो भी टर टर की जगह कर कर बोलता है। मजाक नहीं है दोस्तों, पैसा कमाने वालों की हालत आज सच में ऐसी हो गई है कि बेरोजगार आदमी ये सोच सोच कर डरा हुआ है कि कहीं सरकार उसकी नौकरी ना लगवा दे। आईटी कंपनी में लाख रुपए महीने कमाने वाला बंदा भी ये सोच रहा है कि इस्तीफा दे देता हूँ और गांव जाकर नरेगा मजदूर बन जाता हूँ, 5 किलो फ्री सरकारी राशन लेकर अपना पेट भर लूंगा। वैसे भी शहर में 2500 तरीके के टैक्स भरने के बाद पैसा तो सिर्फ खाने लायक ही बचता है। हालत ये हो गई है कि बजट आने के बाद छोटे छोटे बच्चों ने अखबार में चेक किया कि निर्मला ताई ने उनकी गुल्लक में बंद पैसों पर तो कोई टैक्स नहीं लगा दिया। बहन को राखी पर शगुन देने वाले भी ये पूछ रहे हैं कि मैडम जी इस पैसे पर तो TDS नहीं भरना पड़ेगा। कुल मिलाकर आज आम आदमी की हालत गन्ने के जूस की मशीन में फंसे उस गन्ने की तरह हो गई है जिसकी जूस भैया ने मशीन में डाल डालकर उसकी आखिरी बूंद तक चूस ली है। जो टैक्स के दायरे में नहीं आते उन्हें फर्क नहीं पड़ता, जो बहुत अमीर हैं वो पहली फुर्सत में देश छोड़कर जा रहे हैं। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 10 सालों में 48,000 करोड़पतियों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। इस साल भी 4,000 से ज्यादा करोड़पति भारत छोड़कर दूसरे देशों में नागरिक बन जाएंगे। 82,000 लोगों को पिछले साल US का ग्रीन कार्ड मिल गया। ले देकर बचा नौकरी पेशा मिडिल क्लास जो दोनों हाथों से सरकार की झोली भर रहा है। सरकार भी टोल नाके पर खड़े करप्ट हवलदार की तरह उसकी जेब में मौजूद एक एक कौड़ी उससे निकाल लेती है और फिर भी उसे शक होता है कि कहीं इसने अपनी बनियान की चोर जेब में कोई पैसा तो नहीं छिपा रखा। बजट आने के इतने दिनों बाद भी आपको सोशल मीडिया पर निर्मला ताई और मिडिल क्लास आदमी को लेकर जो इतने जोक्स दिख रहे हैं उनकी वजह भी यही है। मिडिल क्लास आदमी को आज ये भरोसा हो गया कि सरकार को उसकी रत्ती भर परवाह नहीं है, क्योंकि वो बेचारा ना तो सरकार के लिए वोट बैंक है और न ही वो अपने हक के लिए सड़क पर आएगा। इसलिए इसको जितना निचोड़ सको निचोड़ो। तो आज के फनतंत्र में हम मिडिल क्लास आदमी की इसी ट्रेजेडी पर खुल के बात करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मिडिल क्लास आदमी की ये शिकायत जायज है कि सरकार उससे लेती तो 10 हाथों से है मगर देती कुछ भी नहीं है, या फिर कहानी कुछ और ही है। तो आइए इसी पर खुलकर बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र, मैं हूं रौनक। आज के वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कि बजट के बाद मिडिल क्लास आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, उसके इस गुस्से की वजह क्या है। हम एक एक करके सारी बातें आपको बड़े सिंपल अंदाज में डिटेल में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा आप हमारे पॉडकास्ट चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी बजट और टैक्स के बारे में हमने अपने पॉडकास्ट में संजीव सान्याल सर से बातचीत करी थी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था वो सुनना भी आपको चाहिए, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था उनका। और ऐसे कई पॉडकास्ट जो हम करते हैं उसके छोटे छोटे क्लिप्स आपको द रौनक पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दिया है, उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। टैक्स कौन कौन देता है, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, हर कोई। आपको बाजार में बिस्किट खरीदने से लेकर पेट्रोल भरवाने तक, थिएटर में फिल्म देखने से लेकर रेस्टोरेंट में खाना खाने तक शायद ही कोई चीज या सर्विस ऐसी होगी जिस पर आप सरकार को टैक्स नहीं देते। कुल मिलाकर ऐसी 1300 चीजें या सर्विसेज हैं जिन्हें खरीदने पर हम सरकार को टैक्स देते हैं। इसीलिए टैक्स भरने के बदले सरकार से शिकायत करने का हक तो हर किसी को है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स भरने वालों का केस थोड़ा अलग है। इसे ऐसे समझें कि भारत की कुल आबादी 140 करोड़ के आसपास है। इस 140 करोड़ लोगों में पिछले साल सिर्फ 4 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स दिया, मतलब देश की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 2.86% लोगों ने टैक्स भरा। मतलब ये रिकॉर्ड तो हिंदुस्तानी लॉन्डो के टिंडर पर लेफ्ट स्वाइप होने से भी ज्यादा बुरा है। अब इन 4 करोड़ लोगों में बिजनेसमैन भी हैं और नौकरी पेशा भी। अब हो ये रहा है कि बिजनेसमैन जिन्हें ये लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट टैक्स बहुत लेती है, यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है, वो तो अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर पहली फुर्सत में विदेशों में सेटल हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में 48,000 भारतीय करोड़पति विदेशों में सेटल हो चुके हैं। 2023 में 6,500 HNIs यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भारत छोड़कर विदेशों में सेटल हो चुके हैं। ये लोग भारत छोड़कर UAE, सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, UK जैसे देशों में सेटल हो रहे हैं। ये लोग या तो सीधे
बड़ी इन्वेस्टमेंट करके उन देशों के सिटीजन बन जाते हैं या फिर सीधे पैसे देकर वहां की नागरिकता खरीद लेते हैं। जैसे अमेरिका जैसे देश में आप $900,00 डायरेक्ट इन्वेस्ट करके वहां के ग्रीन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ब्रिटेन में 18 करोड़ रुपए, न्यूजीलैंड में 11 करोड़ और कुछ कैरेबियन कंट्रीज में आप 72 लाख रुपए देकर भी वहां के सिटीजन बन सकते हैं। इतने बड़े लेवल पर अगर अमीर लोग भारत छोड़ रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है टैक्स। इन्फोसिस के फॉर्मर सीईओ मोहनदास पाई ने पिछले साल ऐसी ही एक खबर पर ट्वीट करके लिखा था कि भारत में बिजनेसमैन के लिए जिस तरह के हालात हैं, जैसे टैक्स हैं, उसी कारण इतने बड़े लेवल पर लोग दूसरी कंट्रीज में सेटल हो रहे हैं और ये भारत के लिए बड़ा लॉस है। भारत छोड़कर जाने वाले इन अरबपतियों को लालच ये रहता है कि वहां जाकर भारत जैसे मोटे टैक्स से बचा जा सकता है। हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक वहां भारत से अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी और वहां की एयर क्वालिटी भी यहां से बेटर होगी। मैं यहां एयर क्वालिटी की बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि हिंदुस्तान आज की तारीख में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। हर साल 10 लाख लोग सांस की बीमारी की वजह से मर रहे हैं। अब आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, आप चाहें तो बाजार से कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों ना खरीद लें, मगर आप चाहकर भी अपने लिए अलग से नीला आसमान तो नहीं खरीद सकते ना। आप गाड़ी के शोरूम में जाकर ये तो नहीं बोल सकते कि भैया मुझे गाड़ी के साथ साथ एक खाली सड़क भी दे दो। बस इसी खाली सड़क, नीले आसमान और साफ हवा के लिए ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हर साल हजारों की तादाद में भारत छोड़ रहे हैं। खैर ये तो हुई बिजनेसमैन की बात, जिनके लिए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके दूसरे देशों में सेटल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें लगा भारत में टैक्स ज्यादा है, फैसिलिटीज नहीं है, तो चलो मूव कर लेते हैं। मगर नौकरी पेशा आदमी किधर जाएगा? हेलो, अगर हम बिजनेसमैन के मुकाबले एक सैलरी टैक्स पेयर को कंपेयर करें तो उसे सुनकर खुद मगरमच्छ की आंख में भी असली आंसू आ जाएंगे। मुझे अपने घर जाना है। एक सैलरीड आदमी जिसको हर महीने टीडीएस कटने के बाद सैलरी मिलती है, वहीं बिजनेसमैन के पास ये ऑप्शन होता है कि वो पहले बिजनेस के अपने सारे खर्चे बताए, फिर उसके बाद ये बताए कि इन खर्चों के बाद उसका प्रॉफिट कितना है। मगर सैलरीड आदमी के लिए सरकार को लगता है कि इसके तो क्या ही खर्चे होते होंगे, इसको कंपनी जो पैसा दे रही है इससे तो अभी सीधा गुलछर्रे उड़ाएगा। एक बिजनेसमैन को अगर इस साल धंधे में घाटा हुआ है तो वो उस घाटे को अपने अगले साल की बैलेंस शीट में दिखाकर अपने अगले साल की कमाई में से उसे माइनस करवा सकता है। मगर सैलरीड आदमी अगर ऐसा सोच भी ले तो उसे बीच ऑफिस में मुर्गा बनाकर 100 हंटरों से उसकी पिटाई की जाए और उसे मुर्गा बना देखकर अब उसका बॉस ये डिमांड भी कर सकता है कि अब जब ये मुर्गा बन ही गया है तो भाई 2-4 अंडे भी दे दे, ऑमलेट खाने का मन हो रहा है तेरे बॉस का। अच्छा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर इसके अलावा बिजनेसमैन और नौकरी पेशा आदमी में ऐसे 10 और फर्क है जिसे सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि एक सैलरीड आदमी के पास अपना टैक्स बचाने का या अपने खर्चे एडजस्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब इस सैलरीड आदमी को चारों तरफ से घेर कर मारने के पीछे सरकार की अपनी सोच है। सरकार को लगता है कि इसकी सैलरी में बिना डाका डाले अगर इसे सारे पैसे इस्तेमाल करने दिए तो अपनी 70,000 की सैलरी में ये कहीं खुद के लिए प्राइवेट जेट ना खरीद ले, या फिर 63,000 इन हैंड सैलरी देखकर ये सेशल्स में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोई प्राइवेट आइलैंड खरीदने न चला जाए। इसलिए आप लोगों को बिगड़ने से बचाने के लिए वो आपसे ही हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा करके बिहार के किसी ठेकेदार को पुल बनाने के लिए दे देती। इसके पीछे सरकार की सोच ये है कि 10-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा देकर लाखों लोगों को बिगाड़ने से अच्छा क्यों ना कुछ हजार करोड़ रुपए एक ठेकेदार को देकर अकेले उसे ही बर्बाद किया जाए। अब यही ठेकेदार कल को घटिया पुल बनाकर अगर वो पुल गिरा देता है तो उसमें उसकी बदनामी होगी, मगर कम से कम आप लोग तो इन पैसों को बर्बाद करने से बच जाएंगे, है कि नहीं? सोचिए कितना नोबल थॉट है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक यही, जी हाँ, यही बात मिडिल क्लास सैलरीड आदमी के मन में आती है जब जब निर्मला ताई हर साल अपना बजट पेश करती है। आम आदमी को लगता है कि इस बार वित्त मंत्री के सूटकेस में उनके लिए डेयरी मिल्क होगी, मगर बजट आते ही उन्हें समझ में आता है कि उसे डेयरी मिल्क देना तो दूर, सरकार खुद उसे किसी डेयरी में बांधकर उसका मिल्क निकालना चाह रही है। इनकम टैक्स कम होना तो दूर, उसे पता लगता है कि सरकार ने तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ाकर शेयर मार्केट से पैसे कमाने की उसकी हसरत पर भी पोछा लगा दिया है। जो लोग रियल एस्टेट में मकान खरीद कर थोड़ा पैसा कमा लेते थे, सरकार ने इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाकर उनकी भी लंका लगा दी। मतलब ज्यादा सैलरी हाथ में न आ जाए इसके लिए सरकार मोटा इनकम टैक्स लगाकर आपको बिगड़ने से पहले ही बचा रही थी। अब सरकार चाह रही है कि आप इक्विटी और रियल एस्टेट से भी दूर हो जाए। बस कुछ ही दिनों में वो आपके घर से सीधा हिमालय के लिए एक बस भी चलवा देगी ताकि आप एक सुबह झोला उठाकर सीधे पहाड़ों पर निकल जाएं।
बशर्ते इतना टैक्स भरने के बाद आपके पास झोला और बस का टिकट खरीदने के पैसे हो। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? कुछ लोग कहेंगे कि रौनक भाई आप ज्यादा टैक्स की बात क्यों कर रहे हो, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर लोग इतना या फिर इससे ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं भैया, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इतना टैक्स देने के बाद उन देशों में लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में लाखों के बिल नहीं देने पड़ते। इतना टैक्स देने के बाद उन देशों में ऐसे सरकारी स्कूल नहीं होते जहां इंसान, गाय और बकरी का बच्चा एक ही क्लास में एक साथ बैठते। और यही आम आदमी का सबसे बड़ा अफसोस है कि टैक्स तो अमेरिका वाला लिया जा रहा है लेकिन सुविधाएं रवांडा जैसी मिल रही हैं। अमेरिका और यूरोप में कई जगह पर लोग बाथरूम के नलके से भी पानी पी सकते हैं। यहाँ उसी टैक्स पेयर को साफ पानी पीने के लिए आरओ लगवाना पड़ता है। वो आरओ साल भर सही चलता रहे इसके लिए हजारों रुपए देकर उसकी मेंटेनेंस सर्विस फीस भी देनी पड़ती है। पावर कट से बचने के लिए हमें इन्वर्टर भी लगाना पड़ता है, उस इन्वर्टर को खरीदने के लिए टैक्स अलग से देना पड़ता है। साफ हवा के लिए हमें एयर प्यूरिफायर भी लगवाना पड़ता है। 400-500 AQI हवा होने के बावजूद सरकार को लगता है कि एयर प्यूरिफायर एक लग्जरी गुड्स है, इसलिए उस पर 18% GST भी हमें देना पड़ता है। इतने सारे खर्चे करने के बाद एक आम इंसान अपना भविष्य संवारने के लिए म्यूचुअल फंड में 2 पैसे इन्वेस्ट करता है तो वहां भी स्टार लगाकर ये लिखा होता है कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब वो ये रिस्क उठाकर जैसे तैसे 2 पैसे कमा भी लेता है तो सरकार कहती है कि ऐसे कैसे बाबू, माना कि तुमने ये 2 पैसा कमाने के लिए अपनी ऐसी तैसी करवाई है, माना कि तुम्हारा ये पैसा डूब जाता तो तुम बर्बाद हो जाते, माना कि तुम इन 2 पैसों के प्रॉफिट से अपने कुछ सपने पूरे कर लोगे, मगर तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो कि देश के सपने पूरे करने के लिए पहले तुम अपने सपनों को पूरा करने लग जाओगे। इसीलिए बाबू ओ मेरे सोना, अच्छा बच्चा बनकर ऐसी तैसी करके कमाए इस प्रॉफिट में से 20% हमें दे दो, चुपचाप ये पैसा हमें दे दो और फिर ये रोने मत लग जाना कि हमें क्या मिलेगा, क्योंकि तुमको मिलेगा क्या मिलेगा कपिल शर्मा। तो दोस्तों ये है आम आदमी की कहानी, ये है उसका रोना। होने को पहले नौकरी नहीं, नौकरी निकले तो एग्जाम नहीं, नौकरी मिल जाए तो उतनी सैलरी नहीं, सैलरी ज्यादा हो तो टैक्स में लूट जाओ, टैक्स भी दो तो वो सुविधा नहीं, सुविधा चाहो तो देश छोड़ दो और देश में रहो तो कोई सुनवाई नहीं। हो सकता है आपको लगे कि मैं कुछ ज्यादा नेगेटिव तो नहीं हो गया, मगर क्या करूं, मैं वही कह रहा हूं जो हालात, देश की तरक्की, सरकार की कोशिशें, GDP ग्रोथ सब अपनी जगह है, जहां तारीफ बनती है वो हमने की भी है, मगर जब बात मिडिल क्लास नौकरी पेशा आदमी की आएगी तो हमें सच बोलना ही पड़ेगा, और सच वही है जो हमने बताया। बाकी आपको क्या लगता है हालात क्या है, क्या हालात वही है जो हमने बताया या उससे कुछ बेहतर है या कुछ और ही है? जो भी आपको इस मैटर पर लगे वो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।